IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को केरल के लिए क्लेम सेटलमेंट के नियम आसान बनाने को कहा। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है क्लेम सेटलमेंट। विदेशी आर्थिक मदद विवाद में केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने केंद्र सरकार पर हमला किया। सीएम पी विजयन केंद्र सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता को लेकर अर्जी लगाई थी। जर्मनी के हैम्बर्ग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, नोटबंदी की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी, मॉब लिंचिंग उसी का नतीजा है। पश्चिमी मिदनापुर में सत्ताधारी टीएमसी के ऑफिस पर बम से हमला, एक कार्यकर्ता की मौत, 5 जख्मी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अरुण जेटली ने 3 महीने बाद दोबारा वित्त मंत्रालय संभाला। उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट टीचर भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप, 68,500 लोगों की नौकरी खतरे में। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम, अंकिता रैना ने टेनिस में ब्रोंज और शार्दुल विहान ने मेंस डबल ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। और देश के जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर का 95 साल की उम्र में दिल्ली में निधन।